भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान के पुत्र शहरयार खान ने नवाब संपत्ति पर अपना हक जताया है। ये पाकिस्तान के विदेश सचिव भी रह चुके हैं। हाईकोर्ट जबलपुर में इस संबंध में विगत दिनों याचिका दायर की गई। इसमें नवाब संपत्ति से जुड़े 14 वारिसों ने अपना हक मांगा है। इससे शहरयार खान भी एक प्रॉपर्टी है। आबिदा सुल्तान नवाब की बड़ी बेटी थी, लेकिन वे 1950 में 52 के बीच पाकिस्तान चली गई थी। 68 साल बाद अब आबिदा सुल्तान के पुत्र शहरयार खान ने भी नवाब संपत्ति पर अपना हक जताने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शर्मिला टैगोर की तरफ से पैरवी कर रहे वकील राजेश पंचोली ने इस पर आपत्ति जताई। 31 जुलाई 2019 को रामपुर स्टेट के संबंध में नवाब की संपत्तियों के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। इसमें स्पष्ट कहा गया कि नवाब संपत्तियों का बंटवारा शरीयत से हिसाब से होगा। इसे आधार बनाकर हाईकोर्ट जबलपुर में एक अपील दायर कर नवाब संपत्तियों पर करीब 14 लोगों ने अपना अधिकार मांगा है। हालांकि इस मामले में नवाब मंसूर अली खान पटौदी के भांजे फैजबिन खान का कहना है कि आबिदा सुल्तान के पाकिस्तान जाने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ने साजिदा सुल्तान को भोपाल का प्रशासक नियुक्त किया था। इसके चलते नवाब खानदान की सभी संपत्तियों पर साजिदा सुल्तान का नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। नवाब की मौत 1960 में हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही 1991-92 में उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी। कायदे से नवाब की मौत के बाद सबसे बड़ी संतान होने के नाते आबिदा सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए था और सारी संपत्ति उनके कब्जे में आना चाहिए थी, लेकिन वे भारत छोड़ चुकी थी। इसीलिए 1962 में नवाब की मंझली बेटी साजिदा सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। हाल ही में इस मामले में 10 फरवरी को सुनवाई के बाद यह मामला अंतिम सुनवाई के लिए लग गया है। वहीं इस मामले को लेकर आई सभी तरह की आपत्तियों और आवेदनों को सुनने के लिए एक अंतिम बहस होगी। भोपाल शहर और उसके आसपास की करीब 15,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन नवाब हमीदुल्ला खान के बाद साजिदा सुल्तान के नाम पर कर दी गई थी। नवाब पटौदी के भांजे फैजबिन जंग का कहना है कि भोपाल नवाब की मौत 1960 में हुई थी। इसके पहले ही आबिदा सुल्तान पाकिस्तान जा चुकी थी। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ने साजिदा सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया था। ऐसे में शहरयार खान का कोई हक नहीं बनता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।